शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह अला रबुल्ज़त के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियां ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदी करती हूँ मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे लिसनर्स आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ज़ैन अली अटक से जैन कहते हैं कि आज आपके साथ दो खौफनाक कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ जो पहली खौफनाक कहानी है ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है मेरा स्कूल फेलो है वो मुझे कहता है कि मेरे मामू ने हमें एक कहानी सुनाई एक दफ़ा की बात है मेरे मामू जो थे वो अपने एक दोस्त के साथ एक दावत से वापस आ रहे थे तो जब वो लोग दावत से वापस आ रहे थे तो रात काफ़ी हो गई थी तो मामू अपने दोस्त के साथ ही थे तो उनके घर पर जब वो गए तो मामू ने कहा कि अब मैं अपने घर चलता हूँ तो जिस पर रात काफ़ी हो गई है और मुझे अपने घर वापस जाना है तो मामू के दोस्त ने मामू से ये कहा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है हम लोगों का जो इलाका है वैसे भी कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और जहाँ से आपने गुज़र कर जाना है वो जंगल का रास्ता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी होते हैं इसलिए आप ऐसा करें कि आप आज ना जाएँ आप सुबह चले जाना मामू ने कहा कि चलो ठीक है मैं सुबह ही चला जाऊँगा मामू कहते हैं कि मेरे दोस्त ने हाँ सोने का जो सेटअप था वो ड्राइंग रूम में किया था वहाँ पर मेरे दोस्त के जो अबू थे वो भी हम लोगों के पास ही उन्होंने सोना था उनका बिस्तर भी वहीं पर लगाया गया था तो उनके जो अबू थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे यानी वो पहले से मामू को जानते थे बातों बातों में जब बातें निकली तो उनके दोस्त के वाल साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा शेयर किया उनके वाल साहब ने यह कहा कि ये तब की बात है जब मैं बिल्कुल जवान हुआ करता था तो मैं एक फ़ौजी था एक सोल्जर था तो पहले मैं जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी मेरी पोस्टिंग कोयटा में कर दी गई तो जब मैं कोयटा मेरी पोस्टिंग हुई मैं वहाँ पर गया तो मेरे लिए वो जगह बिल्कुल नई थी उस जगह को देखना मेरा एक शौक था वहाँ पर जिस जगह पर मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर मेरे साथ और भी मेरे बहुत से लोग थे टीम मेंबर्स थे इसके अलावा हम लोगों के एक बड़े हेड थे कर्नल भी तो एक दफ़ा ऐसा हुआ मैं अपने कैंप से बाहर निकला और मैं चलता चलता उस इलाके को देखता देखता काफ़ी आगे निकल आया मैं एक ऐसी जगह पर आया जहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर थी वहाँ पर पहाड़ भी थे ट्रक कम थे कुछ अभी मैं वहाँ पर उस नहर के नज़ारे देख ही रहा था वो बहता पानी और झरने देख रहा था मेरी नज़र पड़ी तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को बैठे देखा वो लड़की बिल्कुल नहर के किनारे पर ही बैठी थी वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी मेरे पास उस दौर में एक कैमरा होता था जिसको रील बोलते हैं उसे उसी टाइम आप जो भी तस्वीर कैप्चर करते हैं वो उसी टाइम वो तस्वीर आपके सामने आ जाती है मुझे वो लड़की इतनी अच्छी लगी कि मैंने उस लड़की की तस्वीर उतार ली जैसे मैंने तस्वीर उतारी वो लड़की उठी और उठकर कर वहाँ से चली गई मैं यहाँ मैं यहाँ वहाँ की तस्वीरें बनाने लग गया तभी तभी एकदम से मैंने दो लोगों को अपनी तरफ़ आते देखा वो काफ़ी ज़्यादा कदावर थे सर के ऊपर उन लोगों ने पगड़ियाँ भी बांधी हुई थी उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूँछें थी वो मेरे पास आए और मुझे ज़बरदस्ती मेरे हाथों और बाज़ुओं से पकड़कर अपने साथ ले गए कि चलो तुम्हें हमारे सरदार ने बुलाया है तभी वो लोग मुझे अपने साथ एक बस्ती में ले आए वहाँ पर उन लोगों का एक सरदार था उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी मूँछें थीं उन लोगों ने ये कहा कि तुमने हमारी लड़की को छेड़ा है मैंने उन लोगों से ये कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा तभी उन लोगों ने यह कहा कि बुला कर लाओ उस लड़की को तभी वो लड़की आई जिसकी मैंने फ़ोटो उतारी थी उस लड़की के कान में उन्होंने कोई बात की उस लड़की ने उनको किसी बात का जवाब दिया तो सरदार ने यह कहा कि ठीक है ये यही कह रही है कि तुमने इसको छेड़ा नहीं है तभी मैंने शुक्र अदा किया कि इन लोगों ने ग़लत फहमी के बायस मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं वहाँ से जाने लगा तो उनके सरदार ने यह कहा कि तुम हमारे मेहमान हो हमारी रवायत है जो भी हमारी बस्ती में आता है हम उसे इस तरह से मेहमान नवासी किए जाने नहीं देते मैंने सोचा कि ठीक है अभी मेरी वहाँ पर कोई ख़ास ड्यूटी भी नहीं है तो मैं चलो इनकी बस्ती में यहाँ पर रुक जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा इस बहाने मैं इन लोगों का कल्चर भी देख लूँगा मैं वहाँ पर उनके साथ रुका वो लोग बड़े अजीब से थे बड़े मिस्टीरियस से थे ना तो वो कोई पठान लग रहे थे और ना ही पंजाबी अजीब ही उनके गेटअप थे कोई उनकी पठानों वाली बोली भी नहीं थी इतने में शाम ढल गई तो उन लोगों ने कहा कि अभी थोड़ी देर में रात का खाना लगेगा तुम खाना खाना मैं उनके सरदार के साथ रुका मैंने उसके साथ भी कुछ तस्वीरें उतारी अच्छे लोग थे वो बहुत तभी खाना आ गया खाना जो था वो जिस तरह से कोई मीट पका हुआ था कोई ऐसी डिश थी लेकिन मैं वो खाना नहीं खा सका क्योंकि वो सही से, से पका हुआ नहीं था ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ मीट अभी भी कच्चा है मैं वो खा ही नहीं सका उन लोगों ने मुझे एक झोंपड़ी दी थी रहने के लिए वो उनकी बस्ती की ही झोंपड़ी थी मैं वहाँ पर जाकर आराम करने लगा तभी थोड़ी ही देर के बाद मेरी झोंपड़ी में वही लड़की आई उसके हाथ में एक प्याला था उसमें चाय थी उस लड़की ने वो प्याला मेरे सामने रखा और कहने लगी कि मैंने देखा है कि आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया आप हमारे मेहमान हैं आप ये चाय पी लें मैंने उस लड़की से ये कहा कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर कब से रहते हो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी और तस्वीरें बना सकता हूँ जिस पर उस लड़की ने कहा कि हाँ बना लो मैंने उस लड़की की तस्वीरें भी बना ली मैंने वो चाय पी वो लड़की वहाँ से उठकर चली गई मैं सो गया न जाने कब मेरी आँख लगी सुबह जब मैं जागा तो वो सरदार आया मेरे पास उसने ये कहा कि आओ नाश्ता तैयार है नाश्ता भी बहुत अजीब सा था उसमें भी वही रात वाला ही मीट था मैंने तो वो भी नहीं खाया मैंने उनकी सारी बस्ती देखी उसकी तस्वीरें उतारी तो उनके सरदार ने ये कहा कि बस अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की गलती मत करना सवाई मटी के कुछ नहीं मिलेगा जब मैंने सरदार की ये बात सुनी कि सवाई मट्ट, सवाई मट्टी के कुछ नहीं मिलेगा मैं बहुत ज़्यादा डर गया उस वक्त उस सरदार का लहजा भी बहुत गर्ख था मैं इतना ज़्यादा खौफसदा हुआ कि मैं फ़ौर वहाँ से भाग निकला मेरा कैमरा वहीं पर उस झोंपड़ी में रह गया जब मैं वापस आया अपने कैंप में तो मैंने ये बात अपने वहाँ पर कुलीग्स के साथ भी शेयर की तो वहाँ पर हम लोगों के जो कर्नल थे उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम रात भर कहाँ ग़ायब थे मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं नहर के पास था वहाँ पर एक बस्ती थी तो वो लोग बड़े मेहमान नवाज़ थे मैं वहीं पर रुक गया था जिस पर कर्नल साहब का ये कहना था कि ये कैसे पॉसिबल है हम लोग यहाँ पर काफ़ी अरसे से हम लोगों की पोस्टिंग है हमने तो नहर की तरफ कोई बस्ती नहीं देखी मैंने ने ये कहा कि मेरा यकीन करें आए मैं आपको दिखाता हूँ उस वक्त हमें कुछ काम था तो हम लोग उस वक्त जा नहीं सके तो कर्नल साहब ने ये कहा कि हम लोग कल चलेंगे दूसरे दिन मैं मेरा एक कुलीग और कर्नल साहब हम लोग जब वहाँ पर गए जहाँ पर मैं आया था जहाँ पर वो बस्ती थी जब मैं वहाँ पर आया तो वहाँ पर कोई भी झोंपड़ी नहीं थी ना वो बस्ती थी ना वो घर थे ना वो लोग थे सिर्फ मट्टी के मैदान थे या वहाँ पर जो घास और कुछ दरख्त थे मैंने कहा कि बिल्कुल यहीं पर बस्ती थी मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ मैं अपना वहम दूर करने के लिए थोड़ा सा आगे जब इधर उधर गया तो मुझे एक जगह पर मेरा कैमरा दिखाई दिया मैंने फ़ौरन से अपना कैमरा उठा लिया ये वही कैमरा था ये मेरा कैमरा था मैंने लोगों से ये कहा कि ये देखें ये मेरा ही कैमरा है मैं साथ लेकर आया था कि मैं यहाँ के नज़ारों की तस्वीरें लूँगा मैंने इसमें उन बस्ती के सभी लोगों की तस्वीरें भी ली हैं जैसे ही मैंने उस कैमरे में से सारी तस्वीरें निकाल कर देखनी चाही तो उसमें कोई भी बस्ती नहीं थी कोई भी झोंपड़ी नहीं थी कोई भी लोग नहीं थे जैसे मैं खुले आसमान के नीचे हूँ एक तस्वीर में मेरा हाथ हवा में है जैसे मैंने किसी के कंधे पर रखा है तब मुझे याद आया कि मैंने ये हाथ जो था सरदार के कंधे पर रखा था लेकिन सरदार तो बीच में था ही नहीं उस लड़की की जो मैंने तस्वीरें उतारी थी, वो भी बिल्कुल ब्लैंक तस्वीरें थीं उनमें कोई लड़की नहीं थी मैं बहुत खुफजदा हो गया मैंने उन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं की कि मैंने किस किस की तस्वीरें ली थी वहाँ पर रहते रहते मैंने उस जगह के बारे में बहुत तहक़ीक़ात की वहाँ के मकामी लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि नहर का वो जो हिस्सा है जो मैदानी हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात हैं वहाँ पर जन्नात अक्सर लोगों को नज़र आते हैं आपने भी जो बस्ती देखी थी वो जन्नात की ही कोई बस्ती थी जिन्होंने अपना आप, आप पर ज़ाहिर किया मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मैंने खुद उनको देखा उनके पास रुका भी उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उस वक्त वो बिल्कुल इंसानी रूप में थे और वो लड़की भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पता नहीं वो जन्नात का कौन सा कबीला था मैं नहीं जानता ये मेरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी है जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकता जो मैंने आप लोगों को सुनाई मामू कहते हैं कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और फिर मामू ने हमें भी ये कहानी सुनाई इसी तरह से जैन कहते हैं कि मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ ये मेरे कज़न ने मेरे साथ काफ़ी पहले शेयर की थी बेसिकली ये स्टोरी 14 अगस्त से रिलेटेड है मेरा कज़न जहाँ पर रहते हैं वो लोग जो जगह पर उनका घर है उनके घर के बिल्कुल पास ही सारा आर्मी का एरिया है तो उनका घर वहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ता है तो जब भी 14 अगस्त होती है थर्टीन अगस्त नाइट को बारह बजे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर होता है बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी होती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि हम लोग पूरे बारह बजे अपनी छत पर जाकर वो आतिशबाजी देखा करते थे मैं मेरा छोटा भाई और मेरी बहन हम लोग पूरे बारह बजे से कुछ मिनट पहले ऊपर चले गए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर क्रैकर हुए बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी हुई वो बहुत खूबसूरत थी हम लोगों ने काफ़ी देर वो आतिशबाजी देखी बारह बज चुके थे बारह बजे के बाद तक वो आतिशबाजी होती रही जैसे हम लोग नीचे आने लगे तो मेरे छोटे भाई ने ये कहा कि अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अभी थोड़ी देर के बाद ये दोबारा से फिर से आतिशबाजी करेंगे मुझे वो फिर से देखनी है हमने से ये कहा कि नहीं बस उन्होंने जितनी करनी थी कर दी है उसने ये कहा कि बस तुम लोग जाओ मुझे अभी नहीं आना मैं देख कर आऊँगा उसकी एज बारह साल थी वो वहीं पर रुक गया तकरीबन थोड़ी देर के बाद दोबारा से आतिशबाजी हुई मैंने वो आतिशबाजी भी देखी मैं बहुत खुश था तभी मैंने सोचा कि अब इसके बाद और आतिशबाजी नहीं होगी अब मैं नीचे चलता हूँ जैसे मैं नीचे आने लगा तो मुझे सीढ़ियों के बिल्कुल पास एक परछाई नज़र आई वो एक साया था मुझे लगा कि मेरे भाई बहन छुप कर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं भी डरने वाला नहीं हूँ मैं इनसे पहले इनको डरा देता हूँ मैं बड़े आहिस्ता से कदम उठाता हुआ उस ब्लैक शेडो के पास गया ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल दीवार के पीछे कोई छुपा हुआ है और उसकी एक परछाई दीवार पर पड़ रही है मैंने जैसे ही वहाँ पर पास जाकर कर की आवाज़ निकाली बिल्ली की आवाज़ निकाली कि मैं इनको डराता हूँ तो मैंने जब झांक कर आगे देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था मुझे बहुत अजीब लगा अभी तो यहाँ पर साया था वो कहाँ पर गया मैं अपने उसी खौफ के आलम में इधर उधर देखने लगा मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। तभी मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आने लगा तो मुझे अपनी बैक साइड से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी ऐसा लगा कि कोई बड़ी भारी आवाज़ में जिस तरह से कोई खांसा है या कोई बोला है मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने वहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब शख़्स को खड़े देखा उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी उसके सर पर बाल नहीं थे अजीबोगरीब हुलिया था उसका उसने बहुत अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे वो था एक मर्द बहुत भयानक चेहरे वाला लेकिन उसने लिबास औरतों वाला पहना हुआ वा था उसकी आंखें बहुत पीले कलर की चमक रही थीं उसका लिबास भी बहुत पीले कलर का था उसके येलो कलर के लिबास के ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स थे और उसने हाफ बाजू पहने हुए थे उसका वजूद बहुत स्या था वो बहुत ज़्यादा भयानक था वो मुझे ही देख रहा था यहाँ तक कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मेरे क़रीब आने लगा है बस उसको देखने का मैं इससे ज़्यादा हौसला बर्दाश्त नहीं कर सका मैं वहीं पर गिरा मेरी चीख निकली मेरी चीख की आवाज़ सुनकर जैसे ही मेरे घर वाले बाहर भागे उन लोगों ने जब मुझे देखा तो इससे पहले मैं उनको कुछ बताता मैं गिरा और बेहोश हो गया वो सारे भागते हुए मेरे पास आए मुझे उठाया मेरे भाई और मेरे अब्बू जो थे वो छत पर गए उन्होंने छत पर भी सब कुछ देखा उन्हें कुछ नज़र नहीं आया मुझे उठाकर कमरे में ले जाया गया उन लोगों को ये लगा था कि शायद मेरा पाँव फिसला है या मैंने किसी चीज़ को देखा और मैं डर गया हूँ क्योंकि मैं उस वक्त अकेला था तो जैसे ही मुझे कुछ होश आया और मैं कुछ बोलने के काबिल हुआ तो मैंने उन लोगों को ये बताया कि मेरे साथ जो हादसा हुआ था कैसे मैं मैंने पहले वहाँ पर एक परछाई देखी और कैसे फिर एक अजीबोगरीब वरीब बेहान खुलिए वाला मर्द मुझे नज़र आया जो था तो एक बहुत कदावर मर्द लेकिन लिबास उसका औरतों वाला था मुझे घर वालों ने बहुत समझाया कि बस कुछ नहीं होता तुम डरो नहीं ज़्यादा लेकिन मेरा डर तो कंट्रोल में आने वाला था नहीं मैं बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा था उसके बाद मेरा कसन दोबारा छत पर कभी नहीं गया लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत भयानक ख्वाब आने लग गए मुझे ख्वाब में वही मर्द नज़र आता था और वो हम लोगों की छत पर ही होता है उसके साथ बहुत भयानक चेहरों वाले कुछ बच्चे भी हैं वो अक्सर मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं और मेरी आंख खुल जाती है ये ख्वाब मुझे बार बार आते थे यहाँ तक कि मुझे खौफ के बारे कुछ परछाइयाँ भी दिखाई देने लग गई मैं इतना खुफसदा था कि मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे बार बार वो मखलूक डरा रही है वो मुझे बार बार नज़र आता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है फिर मेरे घर वालों ने मुझे दम करवाया तो जिनसे दम करवाया उनका ये कहना था कि आपके बच्चे ने उस वक्त जो परछाई देखी थी वो एक जिन था पहले इसको परछाई के रूप में नज़र आया ये इसको देख कर वहाँ से गया नहीं उसके पास गया उसको बुलाने की कोशिश की तो अपने असल रूप में इसके सामने आ गया अब वो जान बुझ कर इसको डरा रहा है उसका जब्ता अभी भी इसके दिमाग पर है फिर उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा दम वगैरह करवाया गया तब जाकर तब कहीं जाकर मेरे दिल दिमाग से वो खौफ उतरा लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी वो ड्रामने ख्वाब दिखाई देते हैं ये एक स्टोरी थी मेरे कज़न की जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया जैन आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं अली कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से आठ साल पहले की बात है हम लोग एपटाबाद के रहने वाले हैं तो हम लोगों ने अपना नया घर बनाया हम लोगों का घर जिस इलाके में है वो काफ़ी हाइट पर वो एरिया है तो जो हम लोगों ने घर बनाया था उसकी भी हम लोगों ने तीन पोर्शन बनाए थे उसका जो थर्ड फ्लोर था वो बहुत ऊंचा था वहाँ पर भी एक कमरा था एक दफ़ा की बात है मैं अक्सर उस कमरे में सोया करता था मुझे वो कमरा बहुत अच्छा लगता था बहुत प्यारा मौसम था गर्मी के दिन थे बड़ी ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने घर वालों से ये कहा कि मैं आज ऊपर वाले कमरे में ही सोऊंगा अक्सर मेरे घर वाले मुझे मना किया करते थे कि काफ़ी हाइट पर वो कमरा है तो तुम अकेले डर जाओगे तो तुम अकेले मत सोया करो तो मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं मुझे डर नहीं लगता मैं सो जाऊँगा अभी मुझे नींद नहीं आई थी मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था मैंने अपने कमरे की विंडोज़ खोली हुई थी बड़ी ठंडी हवाएं आ रही थी तभी एकदम से मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई मौजूद है मुझे बकायदा बाहर से कोई आहट महसूस हुई वो आहट ऐसी थी जैसे कोई हल्की सी आवाज़ में दरवाज़े पर दस्तक देता है मैंने पूछा बाहर कौन है लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया मैं उठा मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो छत खाली था कोई भी नहीं था रात के साढ़े बारह पौने एक बजे का टाइम था सब घर वाले सो चुके थे मुझे लगा मेरा वहम होगा मैंने दरवाज़ा दोबारा से लॉक किया और आकर अपने बेड पर बैठ गया बिल्कुल सामने खिड़की खुली हुई थी तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के ऊपर कोई चीज़ किसी ने मारी है मैं मुसलसल खिड़की की तरफ़ देखने लग गया तभी मुझे खिड़की में एक सफ़ेद कलर का चेहरा नज़र आया वो चेहरा ऐसे था जैसे बिल्कुल सामने किसी ने फ़ेस किया है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद कलर था मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सफ़ेद कलर नहीं देखा ऐसा था जैसे कोई जैसे अजीब वरीब वो कोई चेहरा था मैं बहुत घबरा गया कि मैंने क्या देखा है मैंने फ़ौर से उठ खिड़की में झाँक कर देखा बाहर कुछ भी नहीं था और मुझे डर भी लग रहा था मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर झाँक कर देख सकूँ मैंने क्या किया कि मैंने फ़ौर से खिड़की के आगे कर्टन्स कर दिए अपने कमरे की लाइट जलती छोड़ दी और ख़ुद मैंने बिस्तर में मुंह कर लिया चादर थी मैंने चादर अपने चेहरे के ऊपर कर ली तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की में खड़ा होकर कोई अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहा है वो कभी बिल्कुल बारीक सी आवाज़ में हँसता था कभी वो बिल्कुल बारीक सी आवाज़ में विसलिंग करता था तभी अजीबो गरीब तरह से उसने खिड़की के ऊपर जैसे थपथपाना शुरू इधर वो खिड़की पर दस्तक दे रहा था और उधर वो दरवाज़े पर भी यानी वो एक नहीं थे मैं इतना खौफसदा था मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता मैं बहुत घबराया हुआ था मैंने बड़ी मुश्किल से वो रात वहाँ पर गुजारी सारी रात बाहर से आवाज़ें आती रहीं अजीबों गरीब आवाज़ें सुबह जब मैं फजर की आसान हुई तो मैं नीचे भागता हुआ गया मैंने अपने घर वालों को जगाया ये बात बताई मुझे बहुत सा बुखार था मेरी दादी अम्मा ने कहा कि तुम्हें मना किया था हम लोगों का घर पहले ही हाइट पर है ऊपर से तुम तीसरे फ्लोर पर चले गए वो और भी ऊंचाई थी और ऊंचाई पर जन्नात होते हैं फिज़ा में एक मखसूस जगह होती है जहाँ पर जन्नात का बसेरा होता है तुम्हें अकेला देख कर उन्हें जन्नत ने डराया होगा उसके बाद मैंने तोबा कर ली और मैं कभी भी अकेला ऊपर वाले पोर्शन में नहीं सोता ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया अली आपका डिसनेस ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नोशी वे फिफ्टी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इन कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में और हॉर्स स्टोरीज ऑफिशियल पर भी मैं कल स्टोरी पोस्ट करूँगी उसको भी विजिट करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून अलान खेबान